जान पहचान के लिए वक्त हमारे पास। कमिंग टू द पॉइंट, वीडियो अच्छी डालने के बाद हम यूट्यूब में ग्रो नहीं कर पाते, क्यों? तीन कारण है। एक, लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। दो, लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हैं पर उन्हें रोका जाता है। तीन, कुछ लोग सिर्फ फालतू में वीडियो देखने आ जाते हैं। मुझे उन सब के सब लोगों का नाम चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, एक घंटे में। अगले एक घंटे में मुझे उन सब लोगों का नाम चाहिए अपने हाथों में, एक घंटे में। एक्सक्यूज मी सर, इन सारे नामों का आप करेंगे क्या? सबकी गांड मारेंगे। वाह, पहले ही बॉल में सिक्सर। तो और क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और निक कमाल की कॉन्करर पुशिंग की वीडियो के साथ वापस। तो आज मतलब हम कॉन्करर पुशिंग स्टार्ट कर दिए डुओ में। तो जो भी कॉन्करर पुश से रिलेटेड जो भी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कुछ टिप वगैरह और कॉन्करर पुशिंग डुओ में क्या करना है वो मिलते रहे। तो फिलहाल हम उतरे थे थोड़ा पहले सेफ लिपोप का, तो वहाँ पे लूट करने के बाद यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे मैं दो रियल ऊपर बंदे मारा था, तो उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लिया था। उसके बाद इस बिल्डिंग में भी एक को एक मैं नॉक कर रखा था, तो यहाँ पे आके पुश करते हैं पहले, तो देखो पहले उसको कैसे भरते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा पीछे से मेरे टीममेट पे अटैक करता है, तो उसको आराम से मैं फुटी पर लटका देता हूँ बारी थी इसके टीममेट को सीधे हम लोग भेजने की। तो देखो पहले, तो फिलहाल मेरा टीममेट यहाँ पे तो नॉक हो जाता है, लेकिन मैं कैसे भी इसको बचा लेता हूँ और देखते हो इस बॉट को पहले मार लेते हैं, उसके बाद रिवाइव करेंगे। तो यहाँ पे भी और बॉट थे तो उनका मैं कट कर दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और यहाँ पे हम इस फ्लेयर पे आते हैं और देखो इसको, अब इसको मारने के बाद पता नहीं क्यों मेरा ऑडियो जो रिकॉर्ड था इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड वो थोड़ा ग्लिच हो जाता, तो यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चलेगा मतलब ऑडियो, तो थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे मैं एक बंदे को डैमेज दे रखा था तो उसको टैप टैप करके मार देता हूँ, और आगे भी एक नॉक था तो उसको मैं फिनिश कर देता हूँ पहले। अब इन दोनों को हम लोग भेजने के बाद जैसे हम यहाँ से थोड़ा लूट करते और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है, तो उसको देखो हम कैसे मारते पहले। तो यहाँ पे मैं एक को नॉक किया और पता नहीं शायद से मेरा टीममेट नॉक किया, मैं उसको हेड दिया था। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर डुओ में पुश कर रहे हो तो अगर वोट आए तो एक एक करके किल लो, मतलब दोनों का केडी और जो भी है प्लस बराबर हो। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक नॉक किया और देखो यहाँ पे उस बंदे ने पीछे से मुझे नॉक कर दिया, तो फिलहाल मेरा टीममेट यहाँ पे बचा लेता है। तो यहाँ तक तो अच्छा मैच जा रहा था, और मैं आगे के बोट का जो बोट मारा था उसका सीन कट कर देता हूँ। और इसके बाद हम जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ से गन साउंड आ रहे थे। तो देखो पहले इसको कैसे मारते हैं। तो इसको मारने के बाद बस हम आगे निकल ही रहे थे तो एक और बंदा यहाँ पे लेटा था, तो देखो दोनों को ही हम लोग भेज दिए खूंटी पे लटका के। अब डुओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप डुओ में पुश कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन के साथ पुश करो, और जो भी है एक दूसरे को किल देते रहो बराबर पे किल। तो फिलहाल तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा किल था तो मैं यहाँ पे मार ही रहा था फिलहाल, लेकिन यहाँ पे किल चुरा लिया मेरे टीममेट ने, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका आगे वाला जो टीममेट था उसको भी मेरा टीममेट मार देगा, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मेरे तो किल थे ही पहले से। अब यहाँ पे मेरा टीममेट देखो कैसे मुझे किल देता है यहाँ पे एक बोट का, तो जो कि बोट आता है यहाँ पे। अब इसको मैं खूंटी पे लटका के हम लोग भेज दिया, तभी एक और बोट आता है तो वो मेरा टीममेट मार देता है, क्योंकि दोनों का जो था वो किल बराबर होना चाहिए। और देख लो कैसे मारता वो, मैं यहाँ पे बस फिनिश के मकसद से जा रहे थे लेकिन वो सीधे ही मर गया। तो यहाँ पे जैसे हम जा रहे थे तभी एक कोई बोट फायर करता है और मेरा टीममेट बोलता है जा मार दे उसको, तो इसको देखो मतलब क्या ही इजी मारे, वो टीपी पे ले रहा था पेड़ के साइड। और मैं सोचा था कि यहाँ से निकलते अब, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा था जो कि उसका भी किल मेरा टीममेट मुझे ही देने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी लो टायर पे था, क्योंकि अब के आर में पुश कर रहा हूँ तो ब्रॉन्ज टायर पे, और फिलहाल के लिए मैं पुश कर लिया। और देखो इसको पहले कैसे मारते हैं फिर बात करते हैं हम। तो इसको आराम से हम लोग भेज दिए, उसके बाद किल तो ठीक ठाक हो गए थे, हमें बस निकालना था यहाँ पे चिकन, क्योंकि प्लस तो ज़्यादा चाहिए थे और हम काफ़ी पीछे, तो दो हफ्ते आई थिंक सो लग जाएंगे कि कॉन्करर पुश करते करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और फिलहाल आज तो पहला दिन था तो कल से मैं बहुत बढ़िया बढ़िया आपको टिप देने वाला हूँ।
कि आप कैसे पुश करोगे डुओ में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो सब्सक्राइब करके रख रखे वो बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब कर रखे हो, हमसे 500 के आसपास बंदे जुड़ गए, लेकिन यहाँ पे कोई व्यूज़ वगैरह देख नहीं रहा, तो पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, इसलिए कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे टीम थी, तो ऊपर वाला जो बंदा लेटा था उसको मैं आराम से हम लोग भेज दिया, और जो पास में उसको जो मार रहा था उसको भी मैं हेड ही हेड बजा दिया, तो ईजी दोनों ही हम लोग पहुँच गए। तो उसके बाद हम बंदे देख ही रहे थे, क्योंकि थोड़ा सोच रहे थे जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करें, और देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किल हो जाता है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मार्क करता, तो मेरे को लगता है कि मेरा टीममेट यहाँ पे बंदा बता रहा है, लेकिन बंदा कुछ आगे होता है, तो उसको भी आराम से हेड बजा दिया। अब इसका जो और जो बंदे थे वो मेरे टीममेट से फाइट लेने लगते, और मैं पीछे से जाके इसको भी इजी मार देता हूँ। अब कल से जो वीडियो आएगा आपको प्रॉपर रैंक पुश का वीडियो आएगा, कि आप कैसे करोगे रैंक पुश सही से। तो आज तो फ़िलहाल थोड़ा वीक लोवी सा था, तो एक आधी वीक लोवी मिलता है, उसके बाद काफ़ी खतरी बंदे आ रहे थे इसके बाद वाले मैच में। तो कल से वो वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और जो दो बंदे बचा था, तो एक इस बंदे ने उस बंदे को मार दिया था, तो इसको हमें लोकेशन मिल गया था, तो इसको देखो कैसे ये हम लोग सीधा भेजते, और यहाँ पे आराम से चिकन निकाल लिए, तो अच्छा खासा इसमें प्लस हो गया था। अब हमें कॉन्करर पुश करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद से 2 वीक तो लगी जाए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लो टीयर पे, तो देखते कब तक पहुँचते। और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कुछ डुओ की टिप्स एंड ट्रिक मिलती रहे, और जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और टोटल हमारे 33 किल हो चुके थे।